ये ब्लॉग है हमारी मोर एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी का दूसरा भाग, जहां आपने इस जर्नी के पहले भाग में देखा था जो हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन आ चुकी थी। अब आप भाग दो में छपरा जंक्शन से आगे तक की जर्नी देखेंगे, जहां अब हमारी ट्रेन छपरा मुजफ्फरपुर मेन लाइन में चलेगी। इस दौरान आपको बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनों के साथ हमारी ट्रेन की होने वाली क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। साथ में इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेन से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोर एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के दूसरे भाग में। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन पर रुकी हुई है, क्योंकि यह सिवान के बाद इस ट्रेन का इस रूट में दूसरा महत्वपूर्ण हॉल्ट है, इसलिए यहां इसका 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। अगर बात करें छपरा जंक्शन की, तो छपरा जंक्शन बिहार राज्य के सारण जिले के अंतर्गत आता है और रेलवे के हिसाब से यह नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। चलिए अब 11:37 में यहां से इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। अगर छपरा जंक्शन से होकर जाने वाली रेल लाइन की बात करें, तो एक रेल लाइन वाराणसी होते हुए प्रयागराज तक जाती है, दूसरी रेल लाइन आपको पाटलिपुत्र तक जाती है, तीसरी रेल लाइन मऊ तक जाती है और एक रेल लाइन इधर से हम आए यानी गोरखपुर तक जाती है। ये रही 15:27 संभालपुर से गोरखपुर तक जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस। यहाँ छपरा जंक्शन पर इसका अराइवल का सही समय 11:40 था, तो यह हमारे डिपार्चर के साथ यहाँ अपना अराइवल ले रही है। अगर दोस्तों मौर्य एक्सप्रेस के बारे में बात करें, तो मौर्य एक्सप्रेस पहले हटिया तक ही जाती थी, परंतु 10 मार्च से इसके रूट को बढ़ा दिया गया। अब ये ट्रेन संभालपुर तक जाती है, जिस दौरान इस ट्रेन का करीब 314 किलोमीटर बढ़ोतरी हुई, यानी अब यह ट्रेन कुल मिला के 1164 किलोमीटर दो दिन में लगभग तय करती है और संभालपुर दूसरे दिन 2:40 पहुँचती है। पहले ये हटिया तक जाती थी, हटिया पहुंचने का इसका सही समय सुबह का 7:25 है। इस दौरान मौर्य एक्सप्रेस भारत के 5 प्रमुख राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को आपस में कनेक्ट करती है। ये दिगवारा है, यहाँ से हमारी ट्रेन अपना डिपार्चर 12:12 ले चुकी है। यहाँ अराइवल का सही समय 12:06 था। ये रही बिहार से न्यू दिल्ली तक जाने वाली लेजेंडरी ट्रेन वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन के बारे में अगर दोस्त बात करें, तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी मानी जाती है और न्यू दिल्ली जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग वाली ट्रेनों में से एक मानी जाती है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन सोनपुर जंक्शन पहुंच रही है। यहां अराइवल का सही समय 12:32 था, परंतु वक्त हो रहा है अभी 12:43। वैसे छपरा जंक्शन में ही इस ट्रेन में आधी से ज़्यादा भीड़ कम हो गई और वैसे यहां भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस ट्रेन में शायद ट्रैवल करेंगे। दोस्तों अगर बात करें सोनपुर जंक्शन की, तो सोनपुर बिहार राज्य के सारण जिले के अंतर्गत आता है और रेलवे के हिसाब से पूर्व मध्य रेलवे यहां से शुरू हो जाती है और यह पूर्व मध्य रेलवे का एक डिवीज़न भी है और यहां से एक रेल लाइन पाटलिपुत्र के तरफ जाती है, एक रेल लाइन हाजीपुर मुजफ्फरपुर के तरफ निकल जाती है और एक रेल लाइन यानी छपरा जिधर से हम आए हैं के तरफ निकल जाती है। इस प्रकार यह एक प्रमुख जंक्शन भी है। ये गंडक नदी है जो सोनपुर हाजीपुर के बीच पड़ती है, वैसे भी बिहार नदियों के मामले में काफ़ी धनी है।
अब हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन पहुंचने वाली है। हाजीपुर की बात करें तो यह बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत आता है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यहाँ अरावल का सही समय था 12:47 और अभी हमारी मौर एक्सप्रेस पहुँच रही है 12:58 में। ये हमारे बगल के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है सरयू यमुना एक्सप्रेस जो जयनगर से अमृतसर तक जाती है। यहाँ इसका अरावल का सही समय था 12:40। इसी ट्रेन को शहीद एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हाजीपुर से अभी सरयू यमुना एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया और इसी के साथ हमारा भी यहां से डिपार्चर हो गया 1:03 में। ये हो रही है एक और ट्रेन के साथ हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग। शायद ये बरौनी से गोंडिया तक जाने वाली बरौनी गोंडिया एक्सप्रेस है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था वैसा ही हो रहा है और बैक टू बैक आपको एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है। अभी हमारी ट्रेन यहाँ 1:20 में आकर रुकी है। शायद यह हमारे क्रॉसिंग दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस से होने वाला है। और ये रही ब्लू रंग के न्यू ICF कोच के साथ जोगबनी से दानापुर तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसका सीधा स्टॉप मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर ही है, इसीलिए शायद हमारे ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया और इससे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग कराई गई है। वैसे मौर्य एक्सप्रेस को इस रूट में इज्जत कितनी मिलती है तो आप समझ ही गए होंगे। ये भगवानपुर जंक्शन है, यहाँ अराइवल का सही समय 1:08 था और ट्रेन पहुँची 1:26 में। अब एक के बाद एक आपको यहाँ से क्रॉसिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेन समस्तीपुर से और मुजफ्फरपुर से अपना डिपार्चर ले चुकी है तो और एक के बाद एक लाइन में लगी हुई है। क्या बात है, यहाँ एक और क्रॉसिंग। ये टाटा नगर से थावे तक जाने वाली टाटा नगर थावे एक्सप्रेस है। दोस्तों आपको बता दें पूरी भारत जितनी भी ट्रेनें आती हैं वो इसी रूट होकर उनको जाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं ये रूट कितना बिजी है। इस हिसाब से मौर्य एक्सप्रेस को यहाँ लगातार एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है। अगर ओवरटेकिंग की बात करें तो शायद इसे अभी कोई ट्रेन ओवरटेक नहीं करने वाली है। वैसे हमारे पीछे आपने सोनपुर में देखा ही होगा आम्रपाली एक्सप्रेस आ रही है, तो अगर कह सकते हैं तो वो बरौनी तक इसे ओवरटेक तो नहीं करेगी, आगे तब शायद इसको ओवरटेकिंग ना देखना पड़े। ये शायद श्री गंगानगर तक जाने वाली श्री गंगानगर वन वे स्पेशल ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग हो रही है।
ये शायद गोरोल रेलवे स्टेशन है, यहाँ शायद हमारी ट्रेन धीमी हो रही है। यहाँ भी शायद एक और क्रॉसिंग हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ हो रही है हमारी ट्रेन के साथ मालगाड़ी ट्रेन की क्रॉसिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं इस रूट में मौर्य एक्सप्रेस का कोई इज्जत नहीं है। जहां भी इसका ऑल्ट नहीं है वहां भी इसको रोककर दूसरी ट्रेनों से इसका क्रॉसिंग करा दिया जा रहा है। अब हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने वाली है। ये क्या भाई साहब, चलती ट्रेन से उतर गए? भाई आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है और हाथ पैर भी कट सकते हैं। अब हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंच रही है। यहां अराइवल का सही समय 2:05 था पर ट्रेन पहुंच रही है 2:30 में। और ये हमारे बगल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ तक जाने वाली डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो यह पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहां से हाजीपुर और समस्तीपुर रेल लाइन के अलावा एक रेल लाइन सीतामढ़ी की तरफ जाती है, जिसके कारण यह एक प्रमुख जंक्शन पॉइंट भी है। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अब यहां से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। और हमारे डिपार्चर के साथ लीजिए एक और ट्रेन यहाँ आ रही है। ये शायद बरौनी से न्यू दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन है। ये लीजिए एक और क्रॉसिंग, ये मालगाड़ी है। अब हमारी ट्रेन खुदीराम बोस हॉल्ट पहुंचने वाली है। और ये रही जयनगर से पटना तक जाने वाली पटना जयनगर इंटरसिटी के साथ हमारी क्रॉसिंग। यहाँ आते आते बज गए हैं दिन के 3:20 और यहाँ अरावल का सही समय 2:48 ही था। तो आप समझ सकते हैं कि छपरा से निकलने के बाद समस्तीपुर के बीच मौर्य एक्सप्रेस का क्या हाल होता है। ये है न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू दिल्ली तक जाने वाली न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अगर आप हमारा ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि इस ब्लॉग में हमारी ट्रेन के साथ कितनी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई। चलिए अब हमारा अराइवल समस्तीपुर जंक्शन पर होने वाला है। यहाँ अराइवल का सही समय 3:13 था परंतु ट्रेन यहाँ आते आते लगभग 3:50 यही हो गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ आते आते ये ट्रेन आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो गई है। हो सकता है आगे जाके अपना टाइम ठीक कर ले, परंतु एक बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी, जो छपरा तक इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन को प्राथमिकता बिल्कुल ही नहीं दी गई, जगह जगह क्रॉसिंग करवाया गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मौर्य एक्सप्रेस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, परंतु आप इसमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी स्लीपर क्लास में, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ही सही ट्रेन नहीं है। दोस्तों फिलहाल हमारी जर्नी इसी समस्तीपुर जंक्शन पर ख़त्म हो रही है क्योंकि हमारी ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस इसके पीछे ही आ रही है। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।